तीसरा दिन सुबह 8 बजे। फ्रेश लुक है ये, वो रोमन वॉरियर्स फ्रेश नहीं है, देखिए कितने मुरझाए हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे हमारे से धीरे धीरे मैं इंडिया से रोम पहुंच रहा हूँ। दो टीम में तो रोमन कैथलिक से स्टाइलिंग करा रहे हो, तो वो ही होगा अभी। नहीं होगा, तू जीसस क्राइस्ट बन जा, ले लो। हाँ जीसस, तेरा नेक्स्ट रोल यही होगा। प्लीज हेल्प करो, शेव कर रहा हूँ वो थोड़ी सी ट्रिम, मेरे भी पैर शेव कर दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पैर शेव करती हो अपने? सब शेव करती हूँ। अच्छा, फिर भी इतनी स्मूथ है तुम्हारी स्किन। सिल्की स्मूथ, वेरी नाइस। फिर इसके बाद क्या लगाती, लोशन लगाती हो? फिर आप लगाओगे? मैं लगाऊं सब कुछ? लोशन तेरा ड्यूटी है। हाँ चलो लगा दो। मसाज चाहिए ना? मसाज फिर चाहिए। लोशन तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं सब कुछ करूं? पक्का, आई डू इट फॉर यू, डोंट वरी। लेकिन इतनी गर्मी में मत करना। 10:15 बजे। ये देखो तुम्हारे पैर कितने ड्राई हो रहे हैं। I know. Oh my God. क्रीम लगा दो। वो तो क्रीम लगा रहे हैं यार, पूरा बॉटल लगा दिया उसने। इतना ज़्यादा लगा सकता है? डाजे ब्लेंड नहीं हो रहा है। ओके ओके। डाजे कितने कितने ड्राई? अरे पूरा बॉटल लगा देता है वो, ऐसे कर ये ब्लेंड नहीं हो रहा है डाजे। तेरा नंबर, तुम तेरा नंबर अब मुझे देख रहे हो क्यों बोल रहा है? मैं थोड़ी किया। अच्छा, अरे मैंने बताया आपको मेरी बर्थडे याद नहीं है क्या? ये क्या हो रहा है? मजाक करता हूँ मैं, तुम मेरा प्यार हो तो तुम मेरे साथ ही मजाक कर रहा है। या किसी शूट पे जाना है, क्या करना है, हमें कुछ करना है? भाई बहुत अच्छी दोस्त है और आपने मतलब उसके साथ मत खेलो, इसे इसके दिल के साथ। तेरी गर्लफ्रेंड के पास फुल टम्बलर भरा हुआ पानी पी ले जा। डायंड्रा फ्रॉम बाइंड्रा। सच्ची बात है तो उसमें क्या है, सच्ची बात बोलने में। तेरी गर्लफ्रेंड के गांधी जी ने बोला सच्च बोले, सच्च बोल रहे। दोपहर 2 बजे। सच में ब्लू टी शर्ट आपकी वो कलर रानी करती है ना? क्या कलर हो सकता है उसमें से थोड़ा सा कलर निकल आए? तो मेरे हिसाब से आई टेल यू हाउ टू वॉश इट। व्हाट डू यू डू, जस्ट पुट इट इन द बकेट और उसको हल्का सा सर्फ में घोल के अच्छे से पानी से निकाल के साइड में रख दो बस। बादल बहुत अच्छे जा रहे हैं, काफी सूरज निकला हुआ है, कपड़े धोने आते हैं, गर्म मामला है कि मैं अच्छी मूड में हूँ और ये टी शर्ट तेरे मुंह पे नहीं आया। अच्छा तो तुम टी शर्ट मारोगी मेरे मुंह पे है? शेरनी अभी तक कुछ नहीं देखा आपने? क्या नहीं देखा, क्या दिखाना चाहती हो तुम? Okay. तो वैसे तुम अपने कपड़े भी वैसे ही धोना जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बड़े अच्छे और खुशबू आएगी उनमें से। तुम सब हंस क्यों रहे हो? ये तो तुम्हें मैं हंसी आ रही नाली है ना, वो मेरा और मेरी डैंड्रा का वो है, डैंड्रा के फेस का मेरा और मेरी डैंड्रा का कन्वर्सेशन है, उसमें मैं अपनी डैंड्रा को दे सकता हूँ ना एडवाइस। और तुम लोगी भी, तुम ऐसी नागिंग करने वाली लड़कियों में से लगती नहीं मुझे, है ना? सो क्यूट, जाओ ना फिर धो ना। धो रही हूँ, प्यार से धोना ठीक है? जब धुलाई होगी। जब धुलाई होगी तब पता चलेगा कि धुलाई क्या होती है। ओके, कैसे धो? तुम मेरी धुलाई करोगी? नहीं, कपड़े की। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा मेरी धुलाई करेगी। दोपहर 2:15 बजे। मुझे सिखा रहा है कैसे कपड़े धोना वो, मैं उसको पूछने कर ले। ओ, ओ, मेरी मेरा
लव भूत हाँ हाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा था. क्यूटनेस क्यूटनेस क्यूट आर्ट इग्नोर कर रहा है मुझे. क्यूट आर्ट ओ यस स्वीटहार्ट तुम्हारे लिए पानी भर रहा था ताकि वो पानी मैं पी सकूं और तुम खुश रह सको. पानी तुम पियोगे और प्यास मेरी बुझेगी. वही तो पसंद हम लोग क्या पहनू क्या नहीं तू बता भाई मुझे रात को 2 बजे दो हूं दो भी लेता हूं तो क्या बाथरूम में सुखाऊं उसको. मैं हूं दीपशिखा नागपाल सीक्रेट सोसाइटी की सदस्य नंबर 1. सदस्य नंबर 2. नमस्कार दर्शकों सीक्रेट सोसाइटी का दूसरा सदस्य मैं पुनीत इसर आप सबको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं. सदस्य नंबर 3. जो अब तक सिर्फ सुनाई देता था वो अब आपको दिखाई भी देगा. नमस्कार हिंदुस्तान मैं हूं प्रीतम सिंह सीक्रेट सोसाइटी का सबसे आखिरी मोहरा. आप दीपशिखा गौतम गुलाटी मुझे लगता है उसने अपना असली चेहरा छुपा के रखा हुआ है. जो वो दिखा रहा है अब तक वो नहीं है. मनीषा लांबा को मैं जानती नहीं थी. जो 3-4 दिनों में मैंने उसे देखा तो मुझे वो भी ठीक लगी लेकिन वो वक्त आने पर एग्रेसिव हो सकती है. सिचुएशन पे मुझे मेरे पास एक शेयर है सुना ब्रो. अच्छा सर इरशाद 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 हमने माना कि ये पत्थर का शेर है. अरशद अरशद हमने माना कि ये पत्थर का शेर है लेकिन इसको लेकिन इसका मतलब नहीं खुद को बना लो पत्थर. इतना था यार शेर इतना था क्लास में मौजूद सारा खाने पीने का सामान और पिलोस सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड हुए यात्रियों के लिए है. किसी भी और यात्री को ये सामान इस्तेमाल करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है. नहीं है बॉस. बिजनेस क्लास की सीट्स में बैठने या सोने की परमिशन सिर्फ अपग्रेड हुए यात्री को ही है. अगर ऊपर लिखे रूल्स में से एक का भी उल्लंघन हुआ इफ एनीबडी ब्रेक्स एनी रूल्स तो बिजनेस क्लास की सुविधा सबके लिए बंद कर दी जाएगी. नहीं भाई मैं तुझे नहीं भूलूंगी. मैं कागज ढकार देने सामने लूंगी. दिखाओ मुझे कैसा है सोनी जी. बैठो ना. कौन है. थोड़ा शक्कर मिलेगा. मैं आपका नेबर हूँ. नहीं नहीं घर में कुछ भी नहीं है आज. पैसी तो दे. थैंक यू बिग. What about our kitchen? Dude, this is how entry. You go. Wow! इसलिए बस इतना टाइम चल रहा था. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है. एक हफ्ता, dude, एक मिनट शांति. एक हफ्ता है. पर फ्रिज नहीं है. दूध दूध कुछ भी नहीं होगा. आटे का सिर्फ 2 पैकेट है. तो आज रात को मतलब खाना बनाओ dude. मैं रोटियां बनाऊंगी. मैं रोटी बना दूंगी. हम लोग हेल्प करने के लिए बोलेंगे. सब्जियां आप लोग काट के दे देना लड़के लोग. आप जाओ लड़के बाहर. मैं खाना आपसे भी अच्छा बनाऊंगा आपको पता है. हम पहले डिसाइड करें लड़के. मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ. मैं सोच रहा हूँ दाल बनाता हूँ. एक हफ्ते का डिसाइड कर लो. साथ में डिसाइड करते हैं. आई विल मेक फूड. पहले तो एक हफ्ते का राशन है वो डिसाइड करना पड़ेगा संभालना पड़ेगा. वही तो बोल रहा हूँ जो कुक होता है वही तो संजय. अच्छा है. हाँ सच्ची. अरे करिश्मा जी आपके हाथ में करिश्मा. नो प्रॉब्लम. मैं कर लेती हूँ जाके आराम से खाओ. पक्का. हाँ आपने सारा. मैं बताइए क्या कह रही थी.
ये इधर रखते हैं, ये करेंगी मैं, इसमें फुलका डालूंगी, समझी तू? मैं क्या करूँ? तो बेल रही है ये, इसमें तल रही है ये, इस पे आधा सेक रही है, मैं इस पे इसे फुलका कर रही हूँ। नहीं नहीं क्यों, एक जन जब जाके खा सकता है। ठीक है ओके, तो मैं खाऊं? हाँ जाओ खाओ खाओ खाओ, जाओ बेटा खाओ, जाओ। मैं आ रही हूँ खाना खाने। सोनी सोनी सब्जी, सोनी ओह माय गॉड, कौन सी सब्जी? खत्म भी हो गई सोनी जी, सब्जी बनाई थी अच्छी बोल रहे सब, और खत्म हो गई बेबी। व्हाट व्हाट, क्योंकि बनाई थोड़ी सी थी ना मैंने, इतनी सारी थी वो? नहीं थोड़ी थी बेबी। अच्छा कल से हमको थोड़ा मतलब जैसे आता है ना पैकेट, इसका क्या जुगाड़ करें भाई? किसको? अच्छा ये नताशा लगा मिनी सा, वैसी वैसी है यार थोड़ी, तो भी वो डिमांड नहीं कर रही। हम लोग कैसे, हमको छोटी छोटी चीज चाहिए, मैं तो सीधा कैमरा में बोलती हूँ। डिमांड कर रही है ये? नहीं कर रही है ना कैमरा में, तो हम क्या कर रहे अभी? क्या बनाऊं मैं उसके लिए, मुझे नहीं आता, मैं तो फ्रेंकली बोल रही हूँ। मुझे तो ब्लैंड फूड बनाना ही नहीं आता, क्योंकि मैंने तो हमेशा से ऐसे तेल मिर्ची वाला ही खाना खाया। मारे मार तो नहीं है यार? असली है ना की है?